Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुहेल। इस वीडियो में आपको मेथड बताऊंगा किस तरह आप अपनी यूएसबी को पेन ड्राइव को एज आर रैम पीसी लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं और ये फीचर विंडोज 7 से लेकर विंडोज 10 तक अवेलेबल है। तो मैं आपको विंडोज 8 में ये मेथड बताऊंगा। तमाम विंडोज़ में ये प्रोसेस सेम है। तो अगर हम फोटोशॉप या कोरल ड्रा यूज़ करते हैं तो सिस्टम तो पीसी की स्पीड लैपटॉप या जो भी आप यूज़ करते हैं तो स्पीड जो है स्लो हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपके पास रैम कम है तो आप अपनी यूएसबी को एज आ रैम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये मेथड सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने यूएसबी को सिस्टम में लैपटॉप में अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके तो प्रॉपर्टी के अंदर इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन है रेडी बूस्ट, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे ये तीन ऑप्शन दी गई हैं। अगर सेकंड ऑप्शन ये है डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, तमाम जो यूएसबी फ्री है जो इसकी बाकी जीबी फ्री है उसको एज अ रैम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके तो आप अप्लाई करेंगे तो ये कम्प्लीट यूएसबी है जो एज अ रैम कन्वर्ट हो जाएगी। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये फुल हो चुकी है। इसमें ये कि आप यूएसबी कुछ ऐसा यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी से जितना यूज करना चाहते हैं कर लेते हैं। मैं अराउंड अबाउट 3 GB सिलेक्ट करता हूँ तो ये MBs में 3 GB सिलेक्ट हो गए हैं तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा तो ये देखें कुछ ऐसा एज अ रैम यूज हो गया। अगर आप दोबारा इसको जो यूएसबी है डिफॉल्ट पे करना चाहते हैं कि एज अ यूएसबी यूज करना चाहते हैं ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे एज अ डिफॉल्ट यूज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।